हमारे दरमियान में हैं अब डॉक्टर इमरान अली दमानी साहब, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका ये सेकेंड ईयर है इस कैंप में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस ईयर एंड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, डिफरेंस के बाद ऑर्गेनाइजेशन ज़रा बेहतर है, नो डाउट, लेकिन थोड़ा मेहनत करना ज़रूरी है अभी भी टू मेक इट अ बेटर कैंप। थोड़ा कोऑर्डिनेशन बिटवीन डॉक्टर टीम एंड मैनेजिंग टीम इज स्टिल रिक्वायर्ड, एक बट अलहमदिल्ला फ्रॉम लास्ट ईयर वी आर डन बेटर। इंशाल्लाह दुआ है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू। और जो आपका जो कार्डियोलॉजिक जो पेशेंट में आप क्या पाया इधर, क्या ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, और हेल्थ सजेशन दीजिए कि क्या करना चाहिए डेली रूटीन? देखिए, हेल्थ ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हम लोगों ने कभी भी सोचते ही नहीं, हमारे कौम के लोग हेल्थ जब बिगड़ जाती सब कुछ तभी सबको डॉक्टर याद आते हैं, खुदा याद आते हैं। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि लोग कम से कम एक छोटा सा, मैंने एक निमोनिक रेडी किया है कि अगर इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह उनको काम आएगा। देखिए, शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल, ये बीमारी सबसे ज़्यादा हमारी कौम में है और ये सबसे ज़्यादा तकलीफ देती हैं। इसकी वजह से आँखें बिगड़ना, किडनीज बिगड़ना, हार्ट अटैक आना, लकवा लगना, ये सब बहुत सबसे ज़्यादा है। तो अगर किसी के घर में किसी को शुगर या बीपी है तो सालाना अपना ABC करना ही है। ABC मतलब HbA1c, ये शुगर का टेस्ट है, ये 3 महीने का एवरेज बताती है, ये हमेशा 7 से कम होना चाहिए। मतलब कभी भी शुगर चेक करें तो 200 से कम आना ही चाहिए, तभी इंशाल्लाह ज़िंदगी अच्छी रहेगी और कुछ डैमेज नहीं होगा। एक तो ए इज़ फॉर HbA1c, बी फॉर ब्लड प्रेशर, BP हमेशा आपका कंट्रोल में होना चाहिए, 130/90 से कम होना चाहिए, 2। और सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, ये ABC, कोलेस्ट्रॉल हमेशा 200 से कम आना चाहिए। ये कब पता चलेगा? जब आप डॉक्टर से हर सालाना मुलाकात करेंगे, हर साल आपका चेकअप करेंगे, तो इंशाल्लाह बीमारी दूर रहेगी और तकलीफें इंशाल्लाह दूर रहेंगी। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर।